हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता प्रोजेक्ट। देखिए, अगर हम चीता की बात करें तो ये ऑलरेडी इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया से 1952 में। देखिए, अगर हम कैट फैमिली की बात करते हैं तो इसमें मेनली जो है लिपर्ड है, टाइगर है, लायन है ना, और जो है जो ये चीता है, ठीक है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में लिपर्ड है, टाइगर है और लायन भी है, लेकिन चीता जो है वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है। 1952 में ही इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि चीता को जो है इसको रीइंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया में, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। देखिए, अगर हम कुछ कंट्रीज़ जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, जैसे नामीबिया है, ठीक है, नामीबिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर चीता की पॉपुलेशन काफ़ी है, काफ़ी सारी चीता वहाँ पे है। या आप ईरान की बात करें तो ईरान में जो है एशियाटिक जो चीता है उसकी पॉपुलेशन है, लेकिन वो भी काफ़ी कम हो गई, लगभग 100 के आसपास है ना। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि इंडिया में भी जो है चीता को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जाए। देखिए, अगर हम बात करें 19th सेंचुरी तक इंडिया में जो ये एशियाटिक चीता थे इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसी पर जो है हम चर्चा करेंगे, इस प्रोजेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। देखिए, यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माई आई डी इज़ सौरभ पांडे 009। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस अवेलेबल हैं इन सारे ही एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी है, एसएससी है, नबार्ड है, एसएससी जेई कोर्सेस है, स्टेट पीएससी कोर्सेस है, यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेस है, आरबीआई एग्जाम्स हैं। तो आज हमारे सेल का जो है वो आखिरी दिन है, तो आप इसका बेनिफिट लें। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर studyiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए, अगर हम चीता की बात करते हैं तो ये जो है चीता है, ये अगेन जो कैट फैमिली है उससे बिलोंग करता है। जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में भी पूछा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे और उसमें से एक ऑप्शन था चीता का, ठीक है। तो चीता जो था इंडिया में मतलब 1952 में ही इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है, है ना। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, कई सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। देखिए, जो दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो हैबिटेट है, ठीक है। तो किस तरह के हैबिटेट में चीता पाए जाते हैं, वो मेनली सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन में, है ना। सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन का क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रासेस भी हैं और प्लस थोड़े ट्रीज़ भी हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह के ट्रीज़ हैं, कुछ थोड़े बहुत ट्रीज़ हैं और फिर ग्रासेस हैं। ये जो ग्रासेस हैं, इस तरह की जो ग्रासेस है, ये इंपॉर्टेंट है चीता के लिए, क्योंकि चीता की अगर हम बात करें तो फास्टेस्ट मूविंग एनिमल है ना। अगर फॉरेस्ट बहुत डेंस होगा तो वहाँ पे ये चीता सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए हर जगह पे इसको रीइंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ऐसी जगह पे ही रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है जहाँ पे ये पहले एग्जिस्ट करता था और इस तरीके का जो हैबिटेट है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने लिखा है किसको, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, टू रिवाइव द प्लान टू इंट्रोड्यूस चीता इन स्टेट्स नौरादेही सेंचुरी, ठीक है। नौरादेही जो सेंचुरी है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में ही ये सेंचुरी लोकेटेड है, और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कि आपने जो ये प्लान जो चीता को रीइंट्रोड्यूस करने का जो आपका ये प्लान था, इसको आप दोबारा से रिवाइव करें, है ना। ये जो प्रोजेक्ट था रीइंट्रोडक्शन का, ये 2009 में आया था ये प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि हमें जो ये जो प्रोजेक्ट है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो फंड रिक्वायरमेंट है वो अभी हमारे पास नहीं है, और मेनली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है फंड देना चाहिए इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, और अभी जो स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये फंड नहीं है। और भी कुछ लीगल इश्यूज की वजह से जो आगे हम डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये हॉल्ट में है, मतलब ये रुका हुआ है, ये अभी जो है रन नहीं हो रहा था। और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को लिखा कि आप इस प्लान को दोबारा से रिवाइव करें, आपने जो जो फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात की थी वो आप प्रोवाइड करें और चीता जो है उसको नौरादेही सेंचुरी में रीइंट्रोड्यूस किया जाए।
अब चलिए कुछ थोड़े बहुत जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। देखिए 19th सेंचुरी तक अगर हम देखें चीता की पॉपुलेशन इंडिया में वो काफ़ी थी। देखिए कहा जाता है कई सारे जैसे सोर्सेस में ये मेंशन्ड भी है कि जैसे पहले के टाइम पे कई सारे रूलर थे, जैसे अकबर की बात करें तो अकबर के पास 1000 चीतास थे, ठीक है 1000 चीतास थे और मेनली ये रॉयल हंट के लिए यूज़ होते थे, है ना। जैसे कैसे जैसे गज़ेल है या नील गाय है या मान लीजिए ब्लैक बग है इनको हंट करने के लिए जो है इन चीतास का पहले यूज़ किया जाता था, है ना। ये रॉयल फैमिली होती थी, वो कई सारी जो चीतास हैं उनको रियर करते थे, उनको पालते थे, ठीक है, जिससे कि वो रॉयल हंट कैरी आउट कर सकें। लेकिन देखिए अगेन पहले के टाइम पे कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए जाते थे कि जो चीता है उनकी पॉपुलेशन पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। इसलिए जो 19th सेंचुरी तक अगर हम देखें चीता की पॉपुलेशन इंडिया में काफ़ी थी। स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी की बात करें तो उस समय से, है ना, जैसे 1901, 1902, 1903, ये क्या स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी है। इसके बाद से जो चीता की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है ना। जैसे आप देखें तो मेनली जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स और जो ये रॉयल फैमिलीज थी, है ना, ये जो रॉयल फैमिलीज थी ये क्या करते थे, चीता की हंटिंग करते थे, है ना, और इस हंटिंग की वजह से इनकी पॉपुलेशन काफ़ी रिड्यूस हो गई चीता की। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने डिस्कस किया चीता की जो हैबिटेट है, ठीक है, मेनली कैसा हैबिटेट, ग्रासेस प्लस कुछ जो बीच में ट्रीज हैं जिसको हम बोलते हैं सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब क्या है कि ऐसे एरियाज में जहाँ पे इस तरह के ग्रासेस और ट्रीज हैं, इन हैबिटेट्स को कन्वर्ट किया गया लाइफ स्टॉक जो है ग्रेजिंग के लिए, इनको यूज़ करने के लिए, है ना, और साथ में एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए इन लैंड्स का यूज़ होने लग गया। तो इससे क्या है कि हैबिटेट का भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ चीता के, और इससे भी क्या है चीता की पॉपुलेशन जो है काफ़ी फर्दर रिड्यूस हुई। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो चीता जो है मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे रीजन में तो पाया ही जाता था। तमिलनाडु के ये जो तिरुन वैली जो ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ तक जो है चीता पाया जाता था, लेकिन अगेन 20th सेंचुरी के बाद से इसका पॉपुलेशन काफ़ी रिड्यूस हुआ। 1947 में जो ये 2 से 3 चीतास थे, है ना, ये ईस्टर्न मध्य प्रदेश में जो एक स्टेट था, मध्य प्रदेश में ये जो स्टेट था सरगुजा, ठीक है, सरगुजा ये स्टेट में ये 2 से 3 चीता बचे हुए थे, इनको भी हंट कर लिया गया किसके द्वारा, महाराजा रामानुज प्रताप देव इनके द्वारा भी इनकी हंटिंग कर ली गई। और इसके बाद ये इस्टेब्लिश हो गया कि इंडिया से जो चीता है ये पूरे तरीके से ख़त्म हो गए, और 1952 में ये चीज़ डिक्लेयर कर दी गई कि इंडिया से चीता पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लिए गए फॉर रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता, ठीक है, रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता। अब अगर आप बात करें तो पहले भी जैसे 19th सेंचुरी तक भी क्या थी कि ये जो क्योंकि इंडिया में कौन से टाइप का चीता था, एशियाटिक टाइप ऑफ चीता थे, और ये जो एशियाटिक टाइप ऑफ चीता थे ये इसराइल में पाए जाते थे, मान लीजिए ईरान है, अफगानिस्तान है, और इंडिया, अफगानिस्तान, ये जो पूरा बेल्ट है यहाँ पे ये एशियाटिक चीता पाए जाते थे। अब इस समय जो बात करें तो ईरान के पास ही जो है ये एशियाटिक चीता थे। तो क्या हुआ कि अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 2001-2002 में, है ना, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान से रिक्वेस्ट की कि आप हमें कुछ चीता, मतलब जो लाइव पेयर है कुछ चीता, एक आप जो है एक जो चीता का पेयर है वो हमें दे दें, या फिर अगर पेयर नहीं दे सकते कुछ तो लाइव सेल्स जो है चीता के वो दे दें। तो इससे क्या, वो कह रहे थे कि हम क्लोन बना लेंगे और फिर उनको हम वाइल्ड लाइफ में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, है ना, जुरासिक पार्क में कैसे दिखाया जाता है कि डायनासोर्स को कैसे बनाया जाता है, एक मॉस्किटो होता है, वो मॉस्किटो जो है किसी डायनासोर को जो है उसने बाइट किया होता है, और डायनासोर का जो ब्लड है उस मॉस्किटो के जो बॉडी है उसमें प्रेजेंट होता है। जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, उस ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उससे डायनासोर बना लेते हैं थ्रू क्लोनिंग, ठीक है, क्लोनिंग जो टेक्निक है उसके थ्रू उसको नया डायनासोर बना लेते हैं। इस तरीके से जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आप हमें कुछ लाइव सेल्स चीता के दे दो और हम जो है उनकी क्लोन्स बना के फिर उनको वाइल्ड लाइफ में इंट्रोड्यूस
कर देंगे, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने कहा। लेकिन ईरान ने कहा कि हम नहीं दे सकते, ईरान ने साफ साफ मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, जिसका रीज़न बताया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने रिक्वेस्ट की थी इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें जो है आप कुछ गिर नेशनल गिर जो लायन है उसको प्रोवाइड कर दें, बट इंडियन गवर्नमेंट ने उस चीज़ को मना कर दिया। क्योंकि ये जो गिर लायंस है वो कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में, है ना, और गुजरात कभी नहीं चाहता कि उसकी जो मोनोपोली है, मोनोपोली जो है वो रिड्यूस हो। क्यों गुजरात ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि गुजरात का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत सारे लोग आते हैं और इस गिर फॉरेस्ट को विजिट करते हैं, ठीक है। तो अगर अलग अलग जगहों पर जो है जो ये लायन है, गिर लायन है, अगर वो पाया जाने लग गया, ये एसिएटिक लायन है जो पाया जाने लग गया, तो इससे क्या है कि लोग गुजरात में कम, उसका जो रेवेन्यू होगा वो रिड्यूस होगा। इसलिए गुजरात दूसरे स्टेट्स में, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में भी बात चली थी कि जो ये गिर लायंस हैं इनको रीइंट्रोड्यूस किया जाए, है ना, इन जगहों पे, लेकिन गुजरात जो गवर्नमेंट है, गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उस चीज़ को हमेशा टालता जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मध्य प्रदेश में रीइंट्रोड्यूस हो गया तो उसका जो रेवेन्यू है, जो टूरिज्म से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो और रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए, ईरान ने मना कर दिया, उसके बाद से जो एफर्ट भी इंडिया के द्वारा लिए जा रहे थे वो भी थोड़ा रिड्यूस हो गए, क्योंकि ईरान में भी सिर्फ 100 एशियाटिक चीता बचे हुए थे, तो इनसे लेना भी इतना सही नहीं था, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, दूसरा एक अल्टरनेटिव सोचा, और फिर क्या है, नामीबिया से वहाँ से अफ्रीकन जो चीता है उसकी बात की, और नामीबिया जो है इसके लिए तैयार भी हो गई। तो इसके बाद से 2009 में इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया गया, ये प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम था रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अब देखिए, कुछ जो साइट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पे जो चीता हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक तो ये नौरादेही अगेन ये मध्य प्रदेश में है, दूसरी जो साइट है वो है कुनो पलपुर, ठीक है, कुनो पलपुर जो कि अगेन मध्य प्रदेश में है, ये प्रीलिम्स के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तीसरा जो है शाहगढ़ बल्ज, ये कहाँ पे है, ये मेनली जैसलमेर है ना, जैसलमेर राजस्थान, यहाँ पे लोकेटेड। तो ये तीन साइट्स जो हैं आइडेंटिफाई की गई और बोला गया कि यहाँ पे जो है चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो वेजिटेशन है वो हेल्पफुल है चीता के लिए, मतलब जो चीता का हैबिटेट जिस तरीके का होता है उस तरीके का वेजिटेशन इन जगहों पे है। अब देखिए क्या हुआ कि 2012 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस रीइंट्रोडक्शन को, ये जो रीइंट्रोडक्शन है कि मान लीजिए कि जो स्टेप लिए जा रहे हैं कि अफ्रीकन चीता को इंडिया में रीइंट्रोड्यूस किया जाए, तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रोक दिया। क्यों रोक दिया, क्योंकि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ उसने बोला कि पहली चीज़ तो ये स्टेप जो लिया गया है उसके लिए उससे कोई क्लियरेंस नहीं लिया गया, और साथ में ये भी बोला कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी जो गाइडलाइंस होती हैं किसी भी एनिमल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना, वाइल्ड एनिमल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो गाइडलाइंस भी जो है वो फॉलो नहीं की गई। तो इस वजह से क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रोक दिया। इसके बाद कुछ फाइनेंशियल इशूज़ भी थे, उस वजह से भी ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी डिले हुआ। अब देखिए, जो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी डिमांड यही है कि उसको फाइनेंस की ज़रूरत है ना, फ्रॉम द सेंटर इस प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए उसने कोशिश भी की है कि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को जो है अप्रोच किया जाए। और जो NTCA वो क्या है, स्टेटरी बॉडी है अंडर यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है, और इसने कमिट किया था 2011 में कि वो 50 करोड़ देंगे स्टेट को इस प्रोजेक्ट के लिए। साथ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में लोकेटेड है, उसने भी एक प्लान प्रिपेयर किया था ₹260 करोड़ का चीतास के लिए, है ना, उनके रीइंट्रोडक्शन के लिए, है ना, 6 साल पहले। ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है, और अगर ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो फिर चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर हम देखें तो लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए, है ना, 25 करोड़ to 30 करोड़ रुपीज़ है वो रिक्वायर्ड है ना, जो पूरा एनक्लोजर प्रिपेयर करना है ना, मान लीजिए 150 स्क्वायर किलोमीटर में चीता के लिए जो भी एक हैबिटेशन
प्रिपेयर करनी है, है ना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को जो है लेकर आनी है या इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए चाहिए। तो नौरादेही में अगर हम बनाते हैं, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये फंड प्रोवाइड किया जाए सेंटर के द्वारा, इसलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने NTCA जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसको अप्रोच भी किया है। जो नौरादेही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये नौरादेही जो जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे जो आइडियल हैबिटेशन है चीता के लिए वो अवेलेबल है, क्योंकि पहले भी क्या है कि इसी रीजन में जो चीता की पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ अगर रीइंट्रोड्यूस किया जाए चीता को तो वो ईजिली यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर जगह ये सर्वाइव भी नहीं कर सकते, इनको हैबिटेट जो इनका हैबिटेट है वैसा हैबिटेट होना चाहिए, प्लस जो है प्रे बेस होता है ना, प्रे बेस मतलब जिन एनिमल्स पर ये डिपेंडेंट होते हैं ना, जो एनिमल्स इनके फूड चेन का पार्ट होते हैं वो एनिमल्स भी उस जगह पे होने चाहिए, तभी जो है चीता सर्वाइव कर सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें नौरादेही में प्रेजेंट है, इसलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चाह रही है कि जो चीता का रीइंट्रोडक्शन नौरादेही में किया जाए। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता प्रोजेक्ट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।